अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, रनिंग मोटर है ये, जिसे हम BGM यानी बेयरिंग गियर मोटर भी कहते हैं। ये टर्मिनेटर बैंड में लगी होती है। ये सामने आप इसकी पिक्चर्स देख रहे हैं, आगे आपको मैं वीडियो मुकम्मल दिखाऊंगा कि किस तरह वर्क करती है। ये इसका क्लच है, ठीक है, ये मुकम्मल मोटर है। और दूसरी साइड पर जो है लेफ्ट साइड पर मोटर लगेगी, ये जो है अंदर फिट होगी गियर बॉक्स के अंदर। ये देखें, ये इसको हम अभी फिट करेंगे। इसको हमने खोला था, ये देखें, ये क्लच है, यूँ ऐसे थोड़ा सा मूव हो के बाहर निकल आता है और जो पिनियन है उसके अंदर भी टीथ बने हैं इस तरह के, उसमें जाके फिक्स हो जाता है। ये इस तरह थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ घूम के, ठीक है, यानी कि वर्म टाइप इसके अंदर कपलिंग बनी हुई है, ये ऐसे घूम के बाहर निकल आता है, उसमें अटैच हो जाता है। ये देखें इस तरह, ये टीथ यहाँ, ये मेल टाइप टीथ है अंदर जो उसके टर्बाइन का जो है उसके अंदर फीमेल टाइप टीथ हैं, ठीक, उसमें ये फिट हो जाएगा। पहले हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे, ये देखें, ये इसकी जो है कपलिंग है मोटर की, यहाँ पे मोटर की कपलिंग फिट हो जाती है। ये देखें, आपको देखें यहाँ पे ये मोटर यहाँ पे लगेगी और वहाँ पे ये गियर है, ये मूव कर रहा है, आपको मूव करके दिखा रहा हूँ मैं। ये टर्बाइन है, ये यहाँ पे जो है ना फिट होगी। ये देखें, फिट करके मैं नहीं दिखाऊंगा, भाई ये आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे इसके अंदर, ये देखें सामने टीथ बने हुए हैं, ठीक है, ये टीथ के अंदर लॉक है, ये देखें इसमें लॉक हो जाती है। जब टर्बाइन चलती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो फिर ये क्लच खुद ब खुद निकल जाता है और टर्बाइन जो है अपनी स्पीड से चलना, स्टीम की स्पीड से चलना शुरू हो जाती है और ये जो इसके टर्निंग गियर मोटर है ये इसकी, इसका क्लच जो है निकल जाता है पिनियन से, ठीक है, ये टर्बाइन को घुमाने के लिए होती है, आप जानते होंगे इसमें, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो देखने का शुक्रिया।